की एक रन। अगली गेंद फुल टॉस गेंद थी, उठाकर खेला है 6 रन और 9 बॉल डिमांड करते हुए। अच्छी बॉलिंग चार रन बहुत सुंदर चौका रॉय। और ये 6 रन और सुंदर बैटिंग। लेकर सामना करने करते 29 और ये राजू के द्वारा लंबा छक्का।
फुटबॉल का सामना करेंगे। और ये लंबा स्टेट ड्राइव 6 रन। बॉल बॉल बाबू बद्रनाथ दूसरा पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं हल्दर और सकीब। दिखा देता हूं मैं थोड़ा सा, देखिए दोनों ही बल्लेबाज क्रेज हिटलर्स के जा रहे हैं मैदान की ओर। हेलो जी, 91 का टारगेट मिला है, देखते हैं इस टारगेट को कितने ओवर में चेस किया जा सकता है। और ये 91 का टारगेट का चेस करने के लिए हल्दर और सकीब दोनों ही तैयार है मैदान में।
बहुत अच्छा गेंदबाजी सुकुमार द्वारा, अंदर जो बहुत ही हार्ट हिटर बल्लेबाज थे उसका विकेट का पतन। मैं अपना दायित्व प्रभात जी को देकर आया हूँ, राठौड़ का हाल सुनाऊंगा हमारे दर्शकों को। बीपीएल 7 का ये सातवां आठवां मैच है, शायद आठवां मैच है जो क्रेजी हिटलर्स वर्सेस राइजिंग सुपरनोवाज के बीच खेली जा रही है। और बहुत अच्छा इसी बीच सकीब का बहुत ही अच्छा स्ट्राइक है, और ये चार है, शायद चार होगा या छक्का मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तो याद दिख रहा है कि चार है। अंपायर थोड़ा निर्णय कर दीजिएगा, अंपायर का निर्णय देख लीजिए दिलीप सर, आप हड़बड़ाइए मत। और हमारे अंपायर सुशील, दो ओवर की प्रगति पर एक विकेट के नुकसान पर अभी तक 14 रन बन चुके हैं। फिर से एक बार बहुत अच्छी गेंद, लेकिन बहुत ही सूझबूझ के साथ हल्के हाथों से खेलकर कवर की दिशा में एक रन प्राप्त किए। और अभी आए हैं, एक रोमांच भरा मैच देखने मिलेगा हमारे दर्शकों को। बहुत अच्छा गेंद इसी बीच सुसंजीत सिद्धांतार को क्रॉस करते हुए, ये गेंद खेलने की कोशिश, लेकिन लेकिन इस बार मेरी हेलीकॉप्टर निकल आया बिचारे को स्टार्ट कर दो। बहुत अच्छा गेम, कुछ ज्यादा नहीं समझ पाए, हल्के हाथों से खेलकर डिफेंसिव मोड में खेलकर सिंगल चुराने की कोशिश की जा रही थी, इसका मौका मिलता है। और वही मनकट करने की कोशिश, लेकिन ना कामयाब, हालांकि लगभग कामयाब हो गए थे। इसको क्रिकेट में सही नजर से नहीं देखा जाता है, लेकिन आउट करार दिया जाता है, लेकिन बहुत से क्रिकेटरों का मानना है कि ये गलत है, लेकिन नियम में है कि आउट हो सकता है। कप्तान के रूप में सकीब पवेलियन के वापस जाते हुए, हालांकि बहुत अच्छा बल्लेबाजी कर रहे थे सकीब। सकीब फील्डिंग में थोड़ा तब्दीली करते हुए अभी शॉर्ट रेंज विकेट में है दिलीप का, जो कि एक समय बहुत जाने माने ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते थे हमारे क्षेत्र में। और शक्ति राइट ओवर द विकेट, ये गेंद और उठा के खेलने की कोशिश, फील्डर मौजूद लेकिन फील्डर गेंद तक पहुंच नहीं पाया, अन्यथा और एक क्षति हो सकता था। परवीन गेंदबाजी का दायित्व संभाले, सामने सचिन, तीन नंबर जाती है सुशल जी, सचिन मिड विकेट की ओर नजर दौड़ाते हुए। बहुत अच्छा गेंद, बहुत अच्छा गेंद, हालांकि यहाँ पे कोई क्षति नहीं हुआ, लेकिन बहुत अच्छा गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद, हालांकि सचिन सर डिफेंस करने में सक्षम। पर भी सामने है तीन नंबर जर्सी में सचिन सर, बहुत अच्छा गेंद, लेकिन कीपर की गफलती की वजह से 5-4।
बाई के रूप में चार रन, इतना प्रेशर कम हुआ इस दोस्त में चार रन से। फिर से बफर भी अंपायर को क्रॉस करते हुए धीरे धीरे बहुत अच्छा खेल, क्या लाजवाब के द्वारा जबर बहुत अच्छा शॉट इसी बीच सचिन के द्वारा, लेकिन लंबे छह फुट तो उनके शानदार खिलाड़ी का शानदार प्रदर्शन शॉट के द्वारा, यानी हम लोग इन्हें मलखान के नाम से जानते हैं हमारे क्षेत्र में, लेकिन उनका आयोजन किया हुआ नाम देवा, बहुत अच्छा बल्लेबाजी करते हुए देवा। लेकिन बोलता है ना, जो हिम्मत करता है उसी का मदद भी खुदा करता है, तो वही हुआ है और हिम्मत किया और उसके एवज में उसको जीवनदान मिला। इस बार सबसे अच्छे गेंदबाज इस टीम के सुकुमार, बहुत अच्छी गेंद बहुत लाजवाब अंपायरिंग, और इसी बीच फिर से एक बार लाजवाब गेंदबाज सुकुमार, बल्लेबाज पूरे देख रहे हैं, वही एक नंबर बल्लेबाज देवा जिनको अभी अभी जीवनदान मिला है। बहुत अच्छा गेंद इसी बीच सुकुमार का, लेकिन इस बल्लेबाज को जितना भी तारीफ किया जाए कम है। हल्दर के आउट, देवा को स्ट्राइक छोड़ मिला रहे हैं और देवा हर ओवर में चौका या छक्का लगाकर रन का गति जो है उसको नियंत्रण करके रखे हुए हैं। बहुत अच्छा गेंद इसी बीच और एक सुकुमार सुनी रहे हैं गेंदबाजी का दायित्व संभालने के लिए सामने है सचिन, और इसी बीच सचिन का विकेट का पतन होते हुए लेग अंपायर ने निर्णय दे दिया है कि आउट है। दोनों ही अंपायर बोलते हैं आउट है, तो पूरी उम्मीद है कि आज इस मैच में वो ताबड़तोड़ 40-41 रन से बचे ताबड़तोड़ रूप में बनाकर अपना फाइनल के लिए दावेदारी मजबूत दावेदारी पेश करेंगे। सुने फिर से एक बार सामने अब्दुल साहब, सुनील हल्के हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस करते हुए और बहुत ही अच्छा फूलता हुआ हटके, लेकिन उसका कुछ ज्यादा फायदा नहीं उठा पाया दिल का कभी। एक बार देवा सामने है, बहुत अच्छा गेंदबाजी और लेकिन रनआउट करने के चक्कर में एक रन अपने विपक्षी टीम को दे बैठे, हालांकि बहुत ही लाजवाब रिस्क था। इस रिस्क में अगर विकेट में लग जाता गेंद तो फिर ज्यादा ही अच्छा दम थम दिखाते हुए बहुत अच्छा गेंद बल्लेबाज कुछ ज्यादा नहीं समझ पा रहे, हालांकि कवर की दिशा में खेल कर चार रन प्राप्त करने की कोशिश जरूर था, लेकिन काफी तरह की जब तक हर बल लगा रही है इस मैच को कोई भी जीत सकता है। बहुत अच्छा गेंदबाजी अभी तक, और बिफोर विकेट यानी Yeah.
ब्लास्टर के खिलाड़ी एक
तैयारी करना पड़ता है एक बड़ा लीग खेलने के लिए, क्योंकि नहीं दिख रहा है। फिर से एक बार खोले सामने हरेराम मंडा, और बहुत अच्छा गेंद, बहुत अच्छा गेंद, क्या सूझबूझ के साथ गेंदबाजी सुनील के द्वारा। अगर उनको मिल जाता तो ये मैच का नतीजा कुछ और हो। बहुत अच्छा गेंदबाजी सुनील के द्वारा, फिर से एक बार, और ये बहुत ही अच्छा शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद, आसानी के साथ दोनों खिलाड़ियों ने अपना अपना छोर बदल लिए। अंग्रेजी इंटर के सारे खिलाड़ी मैदान दस जी बाहर रही है। फिर से एक बार सुनील, बहुत गेंदबाजी, जितना भी तारीफ किया जाए, और एम्पायर का निर्णय का आठ नंबर जर्सी में छह हरा मैदान, छह फीट एक इंच के नौजवान सुनील, फिर से शोएब अख्तर की तरफ रोना, और बॉडी लाइन से गोल बनाते हुए एम्पायर को क्रॉस करते हुए एक गेंद, और बहुत बहुत सेलिब्रेशन रघु जी के सेलिब्रेशन के पीछे।